वहीं वाराणसी में शनिवार को गोल्डी मसाले की तरफ से अमृत महोत्सव डिस्ट्रीब्यूशन मीट और लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि वाराणसी कमिश्नर कौशल राज शर्मा भी शामिल हुए हैं। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ कंपनी के डायरेक्टर सोम गोयनका, सुरेंद्र गुप्ता, आकाश गोयनका, सुदीप गोयनका, शुभम गुप्ता ने किया है। इस दौरान बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक शान ने पुराने फिल्मी गानों पर रंगारंग प्रस्तुति भी दी है। दरअसल कार्यक्रम का आयोजन विक्रय महाप्रबंधक आलोक सेठ की तरफ से किया गया था। तो गोल्डी मसाले की तरफ से यह आयोजन किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से भव्य आयोजन का आयोजन किया गया है। बतौर मुख्य अतिथि कमिश्नर भी शामिल हुए हैं इस कार्यक्रम में। सिंगर शान ने रंगारंग प्रस्तुति भी दी इस कार्यक्रम में। वाराणसी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन मीट लकी ड्रॉ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और इस दौरान तमाम बड़ी हस्तियां भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। गोल्डी मसाले की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। गोल्डी मसाले का आज ये नेशनल मीट का आयोजन वाराणसी में किया जा रहा है, और बड़ा ही फेमस लोकेशन जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है वाराणसी का, भारत और जापान के संयुक्त जो बना है, उसमें इसका आयोजन किया जा रहा है। वाराणसी एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है आज की तारीख में, अलग अलग प्राइवेट कॉरपोरेट्स के द्वारा भी कार्यक्रमों के लिए, गोल्डी मसाले के द्वारा भी ये कार्यक्रम आज वाराणसी में किया जा रहा है। और परिवार और गोल्डी मसाले ग्रुप जो है वो वाराणसी के नाम से छूता नहीं है। वाराणसी में जब ऑक्सीजन प्लांट की आवश्यकता थी तो आपने BLW में ऑक्सीजन प्लांट पूरा डोनेट किया था। कानपुर जैसे शहर में आप लोगों के इतने ज़्यादा कार्य होते हैं, चाहे शहर के लिए हों, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए हों, चाहे अन्य प्रयोजनों के लिए हों, और वाराणसी के लिए भी हमेशा आपने CSR के माध्यम से और अन्य अपने जितने भी पारिवारिक जो डोनेशन होते हैं उनके माध्यम से मदद की है। तो आज इसी वाराणसी की जगह पर पूरे देश भर के डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अच्छी बात यह है कि यह सात्विक ग्रुप होता है, यहाँ पे नॉन वेज का, ड्रिंक्स का किसी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं होता है। बड़ी सात्विकता के साथ ये कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, साथ ही पारिवारिक मिलन होता है। ये केवल डिस्ट्रीब्यूटर्स का कार्यक्रम नहीं है, परिवार सहित लोगों का मिलन होता है, सारे देश से लोग आते हैं। और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा, जिसमें अपने कार्यक्रमों के साथ साथ लकी ड्रा या बाकी विभागीय योजनाएं डिस्कस करने के साथ साथ वाराणसी में पर्यटन की सारी सुविधाएं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को उपलब्ध करवाएंगे। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर 1,500 आए हैं उनको वाराणसी देख। उत्तराखंड एक गलत रास्ते पर निकल पड़ा है।